पता लग गई। ओ मेरो के पारुबिया। राम राम जी सारा ने और जितनी भी मेरी माता बहन है सारा ने करवा चौथ की बहुत बहुत राम राम। और मैं अभी देखो मेकअप वगैरह कर लियो और ज्वेलरी मैं तो बस इतना ही ज़्यादा कम पेरी नहीं और मैं तैयार होगी और अभी ड्रेस पहननी बाकी है और अभी कहानी सुन सियाँ। तो आ देखो मेहंदी मेहंदी देखो कितो गेरो रंग आयो है कितो सुंदर गुड्डो गुड्डो एकदम रेड रेड बहुत ही सुंदर होगी। आ देखो और यहाँ के दिखाऊँ और चूड़ियाँ भी पहरी को नहीं अभी चूड़ियाँ पहनूंगी मैं तो अभी चूड़ियाँ और ड्रेस पहनने बाकी है। और पहला जब कहानी खातर है जो समान तैयार कर लें तो वो देखो मैं थाली ले ली और वो ले लियो चावलों का वर्गा कर वो और आ गई रोली और ये दसरी पी आ गया और ये अगरबत्ती आ गई और ये फ्रूट आ गया उसे तो एक थाली आ तैयार होगी और दूसरी थाली में कणक और गुड़ आ गया और वो माता को समान आ गया और वो सूट है जो कोई ने पंडता नहीं देखा बंग सूट है आ सूट पर चूड़े डब्बी डाल दी तो समान हो गया वो पानी में ग्रेड़ो करूँ वो आ गया आ होगी मोली और वो हो गया काजल वो काजल। तो थाली देखो मारा तो इंद्रियों की तैयार करे थाली तो इतो समान हो गया। अभी समस्या कहानी कहानी सुनू पहला मैं ड्रेस पहरूँगी और चूड़ियाँ पहरूँगी तो थान दिखा दूँ मैं ड्रेस किसी आ देख लियो वो समान है सारो। तो अभी ये देखो ये है चूड़ियाँ देखो ये चूड़ियाँ होगी अभी देखो अभी मैं चुन्नी लगा ली चुन्नी लगा कर तो मतलब मैं गरारा सूट खोला तो अब ला रहा मतलब ले गई पर मैं पहनी हो एक बार ही हो शादी जद तो मैं क्यों पढ़िया इसको काफ़ी वगैरह बड़ा सूट ले को नहीं गरारा सूट है यहीं पर आ चुन्नी ले गई है तो आ चुन्नी और आज जो मेकअप है जो मेरा कोमल करियो क्यों अन्य नहीं स्कूल के अंदर सिखावा है भी एक पीरियड नहीं मेकअप को लगा पार्लर को काम सिखावा तो आज मेकअप कोमल करियो मैं तो कभी मेकअप वगैरह करिए करूँ को नहीं आप अगर तो आज जो मेकअप मेरा कोमल करेगा और हेयर स्टाइल भी कोमल ही करिए फ्रेंच चोटी करिए और ये चीज़ और ज़्यादा कुछ मैं कौन पहनी नहीं बस मैंने सिंपल सो सही लगे। अभी मैं कहानी सुनूँगा तो मैं देखा या तो फोन में या किताब में कहानी सुन ली सियाँ तो पंडताणी वगैरह तो फिर तो दूर है काफ़ी आवा कम तो मैं वो समान बड़कुगा दे सी और कहानी मैं गरीब सुन ली सी मन कोमल सुना दी सी। चलो कहानी अंदर ही सुन लग रहा क्योंकि बाहर पापा और मारे नहीं काम लग रहे तो आंगन में बोलो एक खिंडा रख रहे बरंडे में बैठे कलर वगैरह करे तो मैं अठा कमरा के अंदर ही कहानी सुन लग रहा। देखो गोबर की चौथ माता बना ली और अखबार है नीचे फट्टी है रख ली और इन्ना समान रख लियो और अभी आप उम्र कहानी कैसी किताब में तो पढ़ता नहीं मारा रही है तो सब
कहाँ जाएगा, खाने सुन गया फिर सारी पी थी। बस मिनट रुक जाओ, तो फिर किए तो व्रत रखे तो आके मैं वीडियो नाम ले मैं व्रत रखे हूं की कोनी रख रहा बता इंसुआ नॉर्मल लो पैर और रोड़ी गटी का काट दे चौथ और ऊपर ही खोल ले और काजल गटी का काट दे चार ये छटा अब रोड़ी गुटी को काट ले तो सिर माथा में आ गया ले अठू ले ले आधे रोड़ी बड़ी अड़ी पड़ी अठू ले ले तो रुक मैं काट लूंगा था यार ले मेरे नहीं बाबू नहीं बेटा मोड़ी मैं नीचे देख रहा बेटा गांड आदमी चौथ माथा की कहानी है का काट ले है कटे से कहानी जो की काट ले बोल हाँ बोल तो अब फॉर्मल करवा चौथ की कहानी कैसी। एक साहूकार था उसके साथ बेटी थी और एक बेटी थी वह सात तो भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठे खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसकी भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली चलो भाभी चांद निकल आया है अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा की घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है जल्दी भेजो। माँ ने कहा लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध लिया और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे तुझसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उससे रास्ते में जो कोई भी मिला वो सबके पैर पड़ी, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली सिली हो सपुती हो सात बेटों की माँ हो मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देखकर पल्ले को गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर आई आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरे में पड़ी रही। एक साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बच्ची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते एक साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों मेहंदी लगाई चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं किससे करूँ। तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो री करवा ले लो। भाइयों की प्यारी
करवा ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी, दूसरी आई करवा ले लो करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। तो उसने कहा ए करवा वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो उससे करवा लेना। इस तरह पांच बहन आकर चली गई पर किसी ने उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी सातवीं बहन आएगी वह तुझे करवा देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा, तब वह सुई लेकर तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसके पैर से पैर पकड़ उसका पैर कस कर पकड़ लेना, छोड़ना मत, और उसके पैर पर कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा भी मांग लेना, तब वह तुझे आशीर्वाद देकर जाएगी, फिर तू उज्जवल करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। जब उसने वैसा ही किया सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, जब वो करवा लेकर आई तो खूब चिल्लाती हुई आई, उसके पैर में कांटा भी चुभ गया, उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जा। तो बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे को लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं तो भूत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुन ली और उज्जवल करा। अब वे दानों चौपड़ खेलने लगे, दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते सासू से जाकर बोली लोग खूब रौनक है, तेरे बोल चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपने सासू को बताया, जो राजा ने शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसके पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें का औचित का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पियर में जाकर उज्जवल करें, ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दिया वैसे ही सबको जीवन देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ने चांद को देते समय ऐसा सात बार बोले चंदा ए चंद्रावली चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरे दे मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला ज्योति मन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। एक बुढ़िया थी उसका एक बेटा और एक बहू थी, वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगूं, तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, पड़ोसनों से जाकर पूछूं। पड़ोसनों से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोस ने बोली पगली क्यों तो धन मांगे क्यों तो पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राज्य हो उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांगो। तो बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे सोने के कटोरे में पोते को, मुझे सुंदर काया दे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे निरोगी काया दे, भाई दे भतीजे दे सारा परिवार दे सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसे ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया।
ये गणेश जी महाराज जैसी बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। गणेश जी महाराज सारा चला के ये नहीं बचा कर अपने काम होकर प्योर को डाल से पानी के कवर में कर लियो। ये लोटो भी तो करा से जब मैं कर ले सारे दोनों ही ले लिया दादा ये थाली इन्हें करते देने बार बार तेरी थाली एक बार तेला थाली तुमने सरका दे बस थाली की पंडिता नहीं की कि पंडित ने देख बांगे ये हाँ ये सब बंद है इधर फेरी ले मैं बीच में मेरे लाला ने साल बीच में जद ना घूम चक्कर आवा तेने पहले फो एक तो फोन ने बंद करो एक वो कोमल एग्जॉस्ट फैन बंद कर तो कोमल मैंने पानी की कोमल ने की सब्जी में सब बर्तन लिया अब मैंने भी से दे मैंने तो की ना दे मैंने दे तू क्यों मैं रखवाए बर्तन भर से मैं रखवाए बर्तन है मम्मी ने दियो अब दियो आधे गुना मत के दियो डैडी देख तो नहीं थी तीर में एक नई चीज आएंगा तीर मास एक तीर नई चीज करी है मैं एक चीज नई चीज आएंगा एक मैं एक नई चीज और नहीं है मैं कांग्रेस छोटे छोटे सुन लगा मैं सुन लगा गया इसे कांग्रेस देखो क्या छोटे लगाए हैं ओ तो रह गए वाह क्या क्या सही मोटा मोटा उठ गए सुन ली मैं और अभी मैं ये फ्रूट काट रखे तो फ्रूट खा सिया भी मारे तो कहानी वगैरह सुन लिया फिर बाद में फ्रूट मतलब खा लेकर है फ्रूट वगैरह और केक हुआ कटे ही तो नहीं मतलब सर्गी वगैरह बेबो लेकर है भी सुबह सर्गी हुआ भी मान लियो सुबह 4 बजे 3 बजे 5 बजे उठ गए और कोई खीर वगैरह कोई कोई भी चीज़ बना गए सुबह खा ले अभी तो मैंने सर्गी बोला है तो वे खा ले सुबह तो हमारे तो रिवाज को नहीं मैं तो कौन खा नहीं हमारे तो पहला सूरज उगे पहला पहला दिन गए चाह पानी पीना तो पी लियो बाद में कहानी सुनूंगे फिर ही पी जाओ चाह पानी जो भी है फ्रूट वगैरह तो अभी मैं फ्रूट खाऊँ और मार कोमल कोई व्रत है पहला आकर मेरे व्रत के बारे में बताया ना मैं व्रत रखे तो पहला मैं कोई बतायो को नहीं फिर मम्मा ने मैं क्यों भी इंगो ना दिखाया तो फिर बेगा क्यों को दिखाऊँ मैं दिखा सूँ बाई व्रत को वो सबको पोल खोल दी फिर का मैं क्यों तेरे व्रत रहे का मैं क्यों तो इंगो भी व्रत है और अभी मैं फ्रूट खावा और थाने भी आगे शाम को वीडियो आ गए और आगे दिखा सकता मतलब मैं वर्त किया खोला किया करा श्याम वाला प्रोग्राम तो वो अगर श्याम वाला देखिया अभी ठीक है जो थे भी खा लिया सागर आज तो देखो अब चांद उगन और आज उग गयो कोनी और मैं तैयार होगी श्याम ने आ ड्रेस पहनी है तो वो देखो पहली बार मैं इतनी मतलब करो अच्छा थोड़ा तैयारी करूँ कोनी और मैंने करण आई है हमारे कोंगल
और स्कूल में सीख रखे हैं तो तैयार करी है तो थानू पूरी ड्रेस भी दिखाऊँ और वो चूड़ो पे रहे अब देखो तो आ देखो आ है मेरी ड्रेस और वो नेकलेस पे रहे हैं चूड़ा गिलास ले जाओ तो आ देखो मैं थाली तैयार कर ली और जो को पानी में लोटो और इन्ना ये दीपक और जक्का बे करो सुबह कहानी सुनी बे जक्का दाना बे भी ले लिया और आ मैं चांद का भोग लगाने खातर खीर बनाई और हलवो बनायो तो ये देखो और अभी जावा चांद देख जावा बस सिर्फ ज़्यादा 5 मिनट टाइम है चांद बढ़िया है अपने वास्ते बहुत मोटा है देखिए तो इंसान ने मेरे खागी मक्खी तो देखो व्रत वगैरह मैं खोल लियो और अभी मैं वह आज एक नई रिवाज स्टार्ट करी है तो मैं छोटो सो एक केक काटांगा करवा चौथ पर तो अभी केक काटांगा और फिर वीडियो एंडिंग करांगा तो आज गुन्नू पापा और कोमल और गुन्नू और बेटा और मैं तो आज भी यहाँ अपनी बर्थडे मनाऊंगा आज भी यहाँ छोटो केक बनाएगा डेडी बितो सुमेर तो देख रहे हो कौन केक कभी आज आला रे वो देखो केक छोटो सो ओ मेरो केक मैं ले भी यहाँ ओ मेरो मना ले रहा हैप्पी करवा चौथ आज नहीं तो पगा लग गई नहीं मेरे अच्छा भी मास्टर आज के का वो मुंह कितने मोटे भाई है अ गुनो रे की मेरी चीटी नहीं हुई मेरी चीटी मैं अपना दे अच्छा तेरे की हैप्पी बर्थडे चुकड़ी मुंह गाल दिए तो देखी मुंह देखी सारो गुन्नू है ले वो भी आज को वीडियो थाने किया लगा तो थे कमेंट करके जरूर बताया
और थे वो जरूर बताया मेरे सुबह की ड्रेस सुनी लगे अब की। और अगर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अगर पुराना हो तो अगर शेयर कर दे। वंस अगेन एक्टिंग करवा चो ठीक है जी, बाय बाय, अगला वीडियो खातर वेट करिया, बाय बाय।